मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मैं हूं सोनाली, लेकर हाजिर द मैटिनी शो। मैटिनी शो के हमारे आज के सेगमेंट का नाम है भारत टॉकीज। इसमें हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा की। तो पिछले कुछ समय से एसएस राजा मौली की फिल्म आरआरआर के अलावा एक और साउथ इंडियन फिल्म है जो काफी ज्यादा चर्चा में है। लगातार चर्चा में रही है फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म है जिसका नाम है पुष्पा। पिछले दिनों फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया गया। तगड़े एक्शन स्टंट से भरपूर इस टीजर से हमें फिल्म की झलक मिलती है। मगर इस टीजर का पूरा फोकस अल्लू अर्जुन के स्वैग, उनके डी ग्लैम लुक और एक्शन पर रहता है। अब इस टीजर को यूट्यूब पर 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। मगर इस फिल्म के इतने चर्चा में होने के क्या कारण है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस फिल्म को समझने से पहले जरूरी है फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन के बारे में थोड़ा सा जानना। तो अल्लू अर्जुन कौन है? तेलुगु फिल्मों के स्टार हैं। इनके पिता अल्लू अरविंद फिल्म प्रोड्यूसर हैं और इन्हीं के नाना अल्लू रामलिंगया ये फिल्मों में कॉमेडियन थे। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी इनके फूफा लगते हैं। वैसे अर्जुन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। साल था 2003। साल 2003 में वैसे पहली बार वो बतौर हीरो नजर आए थे फिल्म गंगोत्री में। उसके बाद आर्या, वेदम, येवड़ू, रुद्रमा देवी जैसी हिट फिल्मों में दिखाई दिए। इनकी बदौलत अर्जुन ने तेलुगु इंडस्ट्री में अपना अलग ही मुकाम हासिल किया। वो प्रॉपर कमर्शियल फिल्म एक्टर है जिनकी एक्टिंग स्किल दुरुस्त है, भरपूर मात्रा में स्वैग कैरी करते हैं और डांस ऋतिक रोशन जैसा डांस करते हैं। अब तक अल्लू अर्जुन की फिल्में सिर्फ साउथ इंडिया में देखी जाती थी, मगर उनकी पिछली फिल्म अला वेंकट पुरुमलु ये बाउंड्री तोड़ चुकी है। फिल्म इंडिया में देखी गई, इतनी भारी संख्या में देखी गई कि फिल्म ने देश भर में 262 करोड़ रुपए कमा डाले। अल्लू अर्जुन अपने तमाम इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि वो हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, अपना ऑडियंस बेस जो है उसे बढ़ाना चाहते हैं, पैन इंडिया लेवल के स्टार बनना चाहते हैं। वैसे इसी कड़ी में उनका पहला कदम है फिल्म पुष्पा। अल्लू अर्जुन की फिल्म डीजे के हिट गाने की बात करते हैं, सीटी मार। इसे सलमान खान की फिल्म राधे के लिए रिमिक्स भी किया गया है। अब बात पुष्पा की। पुष्पा की देश भर में इतनी चर्चा क्यों है? तो अला वेंकट पुरुमलो भारी सफलता इसकी देखते हुए अल्लू अर्जुन ने कुछ बड़ा ट्राई करने का सोचा और किया भी। वो एक बिग बजट मूवी पुष्पा में काम कर रहे हैं। पुष्पा को पैन इंडिया फिल्म के तौर पर प्लान किया गया है। इसे तेलुगु के अलावा तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। वैसे सुकुमार ने फिल्म का आइडिया कंसीव करने के बाद ही सबसे पहले ये फिल्म ऑफर की थी महेश बाबू को। सब कुछ सेट था, मगर एन वक्त पर महेश ने क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया और उसी के बाद ये फिल्म अल्लू अर्जुन के खाते में आई। अब पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म मास्टर में जोसेफ विजय ने हीरो और विजय सेतुपति ने विलन का कैरेक्टर प्ले किया था। ऐसे ही पुष्पा में भी हमें दो बड़े सितारों की भिड़ंत दिखने वाली है। अल्लू अर्जुन के साथ इस फिल्म में मलयालम फिल्मों के स्टार नजर आएंगे, फहाद फाजिल। ये फहाद की पहली तेलुगु फिल्म होने वाली है। वैसे पुष्पा में अल्लू अर्जुन के साथ साथ उनके ऑपोजिट हमें दिखाई देंगी रश्मिका मंदाना। फिल्म की स्टार कास्ट काफी ज्यादा चर्चा में इसी की वजह से है, मुख्य वजह है। वैसे पुष्पा की शूटिंग पूरे जोर शोर से चल रही है, मगर फिलहाल जाहिर तौर पर सब कुछ ठप पड़ा है। इनफैक्ट
फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग फॉरेन लोकेशंस में होनी थी, मगर कोविड स्केयर को देखते हुए मेकर्स ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। पुष्पा को देश के सबसे काबिल टेक्नीशियंस की मदद से पूरा किया जा रहा है, इंडिया में ही बनाया जाएगा। अगर रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में 6 मिनट का एक धाकड़ एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। बताया जा रहा है कि फिल्म में ये जो 6 मिनट का लंबा सीक्वेंस शूट किया गया है, इसके लिए 6 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अल्लू अर्जुन ने इस सीक्वेंस के लिए खास किस्म की ट्रेनिंग भी ली है। वैसे फिल्म पुष्पा किस बारे में है? इस सवाल का जवाब है, प्रमोशनल इवेंट्स और फिल्म के टीजर्स को देखते हुए क्लियर हो गया है कि पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी है। अगर शॉर्ट में बताएं तो ये एक कुली के स्मगलर बनने की जर्नी है, ऐसी ही कहानी है। इस कुली का नाम है पुष्पा राज, यही टाइटल कैरेक्टर अल्लू अर्जुन प्ले कर रहे हैं। मगर फिल्म की बेसिक कहानी सामने आते ही कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई। साहित्य अकादमी अवार्ड विनर राइटर वेम्पल्ली गंगाधर, इन्होंने दावा किया कि पुष्पा उनकी कहानी पर बनी हुई है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि उन्होंने एक मैगजीन के लिए तमिल कुली नाम की एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, जो एक कुली की कहानी थी जो लाल चंदन की स्मगलिंग करता था। गंगाधर ने यह भी कहा कि ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। हालांकि आगे इस मामले में ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है, न सुनने को मिला न जानने को मिला, मामला रफा दफा हो गया। अब जनवरी 2021 में बताया गया कि पुष्पा को इंडिपेंडेंस डे वीकेंड यानी कि 13 अगस्त को रिलीज किया जाएगा, मगर कोविड-19 की वजह से जो समस्या है, फिल्म अब तक पूरी भी नहीं हुई है। फिर रिलीज तो क्या ही कहें, बाकी आगे जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। द ललन टॉप पर मैटिनी शो में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द ललन टॉप। आपके लिए मैटिनी शो लिखा है हमारे साथी श्वेतांत ने, मैं सोनाली, शुक्रिया।